प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक क्या है? व्हीट स्टोन सेतु। क्या है टॉपिक? व्हीट स्टोन सेतु। क्या होता है व्हीट स्टोन? अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं इसे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक था। उसने चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में निरूपित किया। मतलब जो व्हीटस्टोन सेतु है उसमें क्या है? चार प्रतिरोध हैं, जो चार जो समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में। इसमें से तीन ज्ञात होते हैं और एक अज्ञात होता है। चार प्रतिरोध में से तीन ज्ञात होते हैं और एक अज्ञात होता है, और उसकी अज्ञात प्रतिरोध की हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो ये जो चार प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है समांतर भुज की चार भुजाओं के रूप में, इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु में होता क्या है? देखिए, हमारे पास चार प्रतिरोध है। हम इन चार प्रतिरोधों को समांतर भुज की, चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है साहब, यहां पे एक भुजा जैसे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चार भुजाओं के रूप में निरूपित किए गए। एक जो विकर्ण है आपका, उस विकर्ण में एक धारा मापी और कुंजी लगाई गई है। दूसरे विकर्ण में एक बैटरी और एक कुंजी लगाई गई है के, और ये कुंजी के वन प्लस माइनस। व्हीटस्टोन सेतु एक व्यवस्था है चार प्रतिरोधों की, जिन्हें समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में समायोजित किया जाता है। एक विकर्ण में धारा मापी और कुंजी के वन होते हैं, और दूसरे विकर्ण में बैटरी या सेल और क्या होते हैं? और की के होते हैं। ये जो पी और क्यू है ये अनुपाती भुजा कहलाती है। आर ज्ञात प्रतिरोध होता है और एस क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध होता है। हमने अब क्या किया? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था ला रहे हैं, यहां पे आई धारा को प्रवाहित किया। अब किरचॉफ के जंक्शन नियम से यहां पे धारा आई वन चली गई और यहां पे धारा कितनी होगी? आई टू होगी। अब यहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं व्हीटस्टोन हमारा क्या है? संतुलित अवस्था में। व्हीटस्टोन क्या है हमारा? संतुलित अवस्था में। तो इसमें एक सूत्र होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इसी का निगमन करने जा रहे हैं हम, जिसमें से P और Q अनुपाती भुजा कहलाते हैं। यह अनुपात होता है, R ज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात प्रतिरोध। जब हम पहले कुंजी K को दबाएंगे और फिर कुंजी K1 को दबाते हैं, हमने प्रतिरोधों का इस तरह से समायोजन कर रखा है कि धारा मापी में से कोई धारा नहीं बह रही है, तो इसका मतलब हमारा व्हीटस्टोन सेतु किसमें है? संतुलित अवस्था में। किसमें? संतुलित अवस्था में, जिसे कहते हैं इन इक्विलिब्रियम। यह धारा फिर यहां पे मिल जाएगी, यहां पे फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले कुंजी के को दबाना है, और कुछ समय पश्चात, एकदम से नहीं, कुछ समय पश्चात धारा मापी को कुंजी को दबाना है। जब हम धारा मापी को कुंजी को दबाया, देखा हमारा धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, तब उस व्यवस्था को हम क्या, उसमें क्या कहेंगे? हमारा सेतु किसमें है? संतुलन की अवस्था।
अब हम इसे किरचॉफ के नियम से इसको इसकी उत्पत्ति करेंगे, किरचॉफ के नियम से। पहले हम पहला लूप लेते हैं, लूप ए बी डी ए। हमें कैसे चलना है, ए से बी, बी से डी और डी से ए। मैं ए से बी चलता हूं, ए से बी में धारा लूप की दिशा में बह रही है, ए बी दिशा में ही बह रही है और प्रतिरोध पी है, तो मेरे पास क्या आ गया, आई वन पी। मुझे बी से डी जाना है, बी से डी में कोई धारा नहीं बह रही है क्योंकि हमारा सेतु क्या, संतुलित अवस्था में। अब मुझे डी से ए जाना है, मुझे कहां जाना है, डी से ए जाना है, और धारा कैसे बह रही है, ए से डी बह रही है, तो माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, पहली समीकरण। अब मैं दूसरा लूप लेता हूं, लूप बी सी डी ए। मेरे को कैसे चलना है, पहले बी से सी जाना है, सी से डी जाना है और डी से ए जाना है। तो जब मैं ए से बी से सी चलूंगा, बी से सी में क्योंकि यहां धारा कितनी बह रही है, आई वन, आई वन ही आई, आई वन यहां बह रही है क्योंकि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं था, तो यह कितना हो जाएगा, लूप की दिशा में धारा बह रही है, आई वन क्यू। मुझे जाना है सी से डी और धारा बह रही है डी से सी, तो कितनी हो जाएगी, माइनस आई टू एस। और इसमें इस लूप में कोई भी सेल नहीं है तो ये क्या हो गया, शून्य। तो ये कितना हो गया, आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस, समीकरण दो। समीकरण एक को समीकरण दो से भाग कर दिया, आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इज इक्वल टू, आई टू आर था, सॉरी एस कहां से ले लें, आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। बच्चों ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि जो हमारा मीटर सेतु, आगे हम डिस्क वीडियो देंगे इसकी प्रैक्टिकल जो है मीटर सेतु का, वो इसी पर आधारित है। बच्चों मेरा छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।